ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा, मांगिए माफी, बोलिए सॉरी। अगर किसी तरीके से उस शख्स के फोन का क्लोन बनाया जा सके जिसने बड़े ही शातिराना तरीके से मेरे उस ऐप को रीडिजाइन किया है, तो हम उसका फोन उस क्लोन के जरिए उस ऐप को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सॉरी। ना 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 ना, ये कोई सॉरी हुआ? मतलब आपके चेहरे पे दिखना तो चाहिए कि आप सॉरी बोल रहे हो। मतलब कोई इंसान अगर सॉरी बोलता है तो पता तो चले कि सॉरी बोल रहा है, तो माफी मांगने में मजा है। एक काम करते हैं, आप एक और टेक लीजिए, मतलब एक और बार ट्राई कर लीजिए। चलिए टेक टू। सॉरी यार, आपकी मैडम को ना किसने सॉरी बोलना ही नहीं सिखाया। अरे हम रोज सिखाते, अब क्या बताएं तुमको सब। अरे तुम औरतों की प्रॉब्लम ही है, दिन में हजार बार सबसे सॉरी बुलवा लोगी, जब खुद को सॉरी बोलने का टाइम आएगा तो पार टूट पड़ेगा तुम पे, है ना? अब वो पुष्पा जी, अब वो तुमसे, हम कह रहे हैं कि अब वो तुमसे सॉरी कह रही है ना। चलो छोड़ो इनकी बात, छोड़ो, हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। अब देखो, अब उम्र में बड़े हैं, नहीं नहीं मतलब कितने भी बड़े नहीं है, अभी हमारी उम्र ही क्या, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, इतने भी उम्र है, तो हमारी छोटी उम्र का लिहाज करके माफ कर दो ना, छोड़ो ना, जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया। हाँ, हमें ना तुम्हारी मदद की जरूरत है, करोगे? ठीक है, बोलिए बोलिए, क्या करना होगा मुझे? बैठिए 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 बैठिए। वो क्या हुआ ना, हमारे फोन पे पता नहीं किस नालायक ने कोई अनजान सा लिंक भेज दिया, हमने गलती से उसको क्लिक कर दिया। अब हुआ क्या ना, हमारे फोन में अचानक एक वायरस घुस गया, हमारा पूरा फोन हैक कर दिया। अब तुमको पता है हमारे पुलिस पुलिस वाला जो हमारा जो हैकर है ना, वो भी नालायक पता नहीं कहाँ गांव चला गया है। अब उसके बगैर हम हमारा फोन ठीक नहीं कर सकते, अगर तुम हमारी मदद करोगे ना, तो हमारा फोन अगर तुम ठीक कर दोगे ना, तो बहुत बहुत एहसान होगा। तुमको तो पता है ना, आजकल अगर फोन हाथ में ना हो तो हालत क्या है, पगलेटे जैसे घूमते वैसी हमारी हालत होगी। कर दूंगा, तो हमारा फोन ठीक कर दो। आंटी, दीदी, दीदी बोल दीजिए, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेंगी। दीदी, ऐसे कोई अनजान लिंक पे कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। दिल्ली ओल्ड पीपल, हाँ Old kids, silly kids, okay? हो गया? कर रहा हूं ना। ये मेरा फोन है। हाँ हमें पता है, वो आपका इस्तेमाल होगा ना इसमें, इसलिए दे ही रहे थे। अरे आप इधर उधर, हमारे लल्ला की तो बहुत ही फूट गई, हमें कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए। इसका फोन लॉक है, लॉक है, अब क्या करेंगे? चले चले। कर रही, कर रही, शांत शांत, अब आ ध्यान दीजिए। वो आ गया, लीजिए, अब पानी लीजिए। पीजिए पीजिए। हाँ ये छोड़ दीजिए, आपका फोन भी अनलॉक हो गया। हो गया? हाँ, और आइंदा से आंटी ऐसे कोई अनजान लिंक, दीदी, अच्छा दीदी, आज के बाद कोई अनजान लिंक पे क्लिक मत करना, आपको ही दिक्कत होगी। अब पक्का ठीक से अनलॉक हो गया? इतना तो रोहन जीनियस अपने लेफ्ट हैंड से कर लेता है, अगर राइट हैंड यूज करता तो वर्ल्ड बैंक का वॉल्ट भी खोल लेता। ट्राई करके देख लो। नहीं अब इतना कह रहे तो हो ही गया ना। ओके चलिए, वेलकम। सुनिए,
आपका वो फोन मिल सकता है क्या? वो एक बार घंटी मार के हम देख लेते हैं ना। हाँ हाँ। अब अपना फोन यूज कर लो आप, वैसे भी मुझे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है तो। अरे हम अपना फोन ही यूज करते, आपके फोन का हमें जरूरत था भी नहीं। लेकिन क्या ये देखिए डेड हो गया, बैटरी डेड हो गया, ये देखिए। लो जल्दी करके दो। ये लॉक खोल देते तो? क्या लॉक? बिना लॉक खोले कैसे? लो। जल्दी करिए यार जल्दी। अरे ये पता नहीं कौन सा नंबर लग गया, लग ही नहीं रहा है। एक सेकेंड। आ गया आ गया। हाँ। हमारा फोन आ गया। धन्यवाद, हमारा काम हो गया। फोन का बहुत जरूरी काम था ना, हो गया। हो गया, धन्यवाद। ओके। कितनी खुशी हो रही। हाँ। हमारा काम हो गया। ओके। चलिए चलिए। थैंक यू। सिली किड्स। जान जानी सर, कठिन है, कठिन है, डिफिकल्ट। कैन आई हेल्प यू? ये मेरा रोज का काम है, मेरे लिए आसान है। ठीक है, आसान है? देखो माँ, आसान है आसान है, फिर भी इतनी पढ़ाई करना, इतना दिमाग खर्च करना क्यों? अम्मा बस, उनको तकलीफ हो रहा है ना काम करने में। देखो काम पे नाम पे क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। 0-1, 0-1, 0-1, 0-1। कोडिंग, कोडिंग कहते हैं रे उसको सरकटा जिन, कोडिंग कहते हैं उसको। हर कोई कोडिंग कर लेता, सब कोई कोडर नहीं बन जाता। अरे कोडिंग करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है, एकदम आला दर्जे का बुद्धि चाहिए होता है कोडिंग के लिए। तुमको आता है? उनके बारे में बतिया रहे थे पुष्पा जी। हाँ मतलब नहीं आता ना, तो करने दो ना उनको काम शांति से। चुप रहो तुमको। तुम भी। Yes, we got it. फोन हैक हो गया। Yes. अब मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। अब आएगा ना मजा। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, हमें रोहन को तुरंत गिरफ्तार करना होगा, इससे पहले वो लोगों के कमाए पैसों पर पानी फेर दे। नहीं करिश्मा सिंह, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। याद है ना लास्ट टाइम जल्दबाजी की थी तो किस तरह एटीट्यूड देकर चला गया था वो लड़का। इसलिए प्लीज। एक आइडिया है इंस्पेक्टर। हाँ हाँ प्लीज बताइए। इंस्पेक्टर जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया है। कैसा? नहीं मतलब थोड़ा समझने वाली भाषा में समझाएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए इंस्पेक्टर, एक्सप्लेन करने से पहले टेस्ट लेना जरूरी है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो उन बेगुनाह लोगों का पैसा आप कटना बंद हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ। बदनाम। देखो तुम जो कोई भी हो, तुम बदनाम हो कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बताओ अपना जल्दी। जॉन जॉनी सर, इसका नाम ही बदनाम है। नाम बदनाम है। काम करें, काम। जी चलो उठो उठो उठो। अब उठ गए तो चलो, फॉलो मी। अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए है। और चलेगा तो भी कटेगा। अरे भाई टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, चलो मेरे साथ। चलो चलो, चलो, चलो देख लेंगे। चलो चलिए चलिए चलिए। रोहन अपनी ड्रिंक आई है, ये बिल है। कितना हुआ? 50,000 यार। अरे भाई उसके टिप को ऐड कर, टिप 10,000 ऐड कर ले, 50,000 ये हो गए और 10,000 टिप, 60,000 हो गए। मैं देता हूँ, देता हूँ ना यार, मैं दे रहा हूँ। आराम से, आराम से, गिर मत जाना। उल्टा चलने से हमारे पैसे वापस आ रहे, जल्दी जल्दी चलो भाइयों। वाह सर क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। ये आइडिया आप ही करता है मैडम सर। हाँ लेकिन एग्जीक्यूट तो आपने किया है ना। ठीक है करेंट 50-50 कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या हो गया? What the hell, what the hell, what the hell, मेरे अकाउंट से सारे पैसे कट गए।
मैं पूरा बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं। सर मेरा बिल। यार ब्रो सुनना, इस बार यार पेमेंट तू कर दे यार। तुम लोग एक काम करो ना, आपस में सब कुछ डिसाइड करके कुछ पेमेंट कर दो ना। मैं हर बार मैं पे करता हूँ ना, इस बार तुम पे कर दो, है ना? इस बार तुम पे कर दो प्लीज यार, इज्जत का सवाल है, प्लीज यार कर दो। मेरे पास तो पैसे नहीं है यार भाई, प्लीज सॉरी यार। यार भाई तू दे दे इस बार पैसे प्लीज यार, मैं इतना करता हूँ यार तुम लोगों के लिए यार, तुम कुछ तो करो यार। आज तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे माफ कर दे यार। यार इसके पैसे भी खत्म हो गए और क्यों इसकी पार्टी करके उसका प्रॉब्लम बढ़ा है हम लोग। चलो चलते हैं ना। हाँ हाँ चल चलते हैं। भाई तू कर देना यार, यार तेरी तो मैंने इतनी हेल्प की यार, तू कर देना। सर मेरे पैसे। अरे कोई है बचाओ भैया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए भैया। एक मिनट, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? चांद 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 क्या हुआ, आराम से बताओ। मेरे बूझे किसी ने फ्रॉड किया, मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल दिए मैम। का बात करे, पैसे निकल गए? ओ भैया कितने कितने? 5 लाख रुपए। 5 लाख? अरे यार, अरे रे रे, 5 लाख रुपया? बाप रे बाप, बाबू कोई तो तुम्हारा बहुत भयंकर वाला चूना काट दिया है। हाँ लेकिन एक बात बताओ, तुम तो छात्र है ना जी? और वो भी स्कॉलरशिप बाबा की मेहरबानी से। हाँ, फिर इतना भारी, मतलब 5 लाख रुपया का मोटा रकम तुम्हारे पास कहाँ से आया रे? अरे भालू आ गए। अरे 5 लाख किसके अकाउंट में आए, किसको मिले 5 लाख रुपए? कहाँ से आया? नहीं एक मिनट एक मिनट, कहीं तुम भी वॉकिंग डेड वॉकिंग ऐप के फ्रॉड में शामिल तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हो ड्यूड, क्या बात कर रहे हो? मैं कोई मैंने किसी कोई फ्रॉड वॉड नहीं किया है। ये पैसे तो मुझे मेरे पापा ने दिए, मुझे डैड ने दिए, वो उनके प्रोविडेंट फंड से, वो कोई यहाँ पे जमीन है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे दिए, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, क्योंकि वो डील करते वक्त ट्रांसफर करते वक्त पेमेंट करते वक्त दिक्कत ना आए ना इसलिए। अच्छा तुम्हारे पिताजी का देहांत हुए 4 साल बीत चुके हैं रोहन, शर्माने चाहिए तुम्हें झूठ बोलते हुए, और जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तो उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर दिए, ये सोचकर कि तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, और क्या बने तुम? ये एक ऑनलाइन फ्रॉडस्टर, एक चोर, एक डकैत, एक क्रिमिनल। क्या हुआ, अपनी अपनी आवाज उठाओगे, केस नहीं करोगे, कुछ बोलोगे नहीं अब? हाँ अब क्या बोलोगे तुम, अब कुछ भी बोलोगे ना तो और फंसोगे और गलती करोगे तुम, समझे? और तुम्हारे इस नौटंकी इस झूठ पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है बेटा, एक बात कान खुल के सुन लो तुम, मैंने तुम्हारे मोबाइल का क्लोन बनाकर उसके ऐप की कोडिंग को क्रैक करके उन सारे बेगुनाह लोगों के पैसे उनके खाते में वापस पहुंचा दिए, तुम्हारे उसी बैंक के खाते से लेकर जिसको तुमने अपने बैंक उस ऐप से लिंक किया था, समझे? जी ये सच है, हम चाहते तो बहुत पहले तुम्हारे इस ऐप को डिलीट करवा देते, लेकिन उससे तुम्हें सबक नहीं मिल पाता ना। हम चाहते थे कि तुम्हें भी वही तकलीफ हो जो तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों को हुई है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब खुद की मेहनत का, खून पसीने की कमाई का पैसा लूट लिया जाता है तो कितना हेल्पलेस, कितना बेबस महसूस होता है एक इंसान को। तुम्हारे जो पैसे लूटे गए वो तो फिर भी किसी और के पैसे थे, तुम उन मासूम लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी वजह से बेबस और लाचार हो गए। तजुर्बा कहता है हमारा, जो पैसा जितनी आसानी से आता है वो उतनी ही आसानी से चले जाने का रास्ता भी अपने आप ढूंढ लेता है, और पीछे छोड़ जाता है बहुत सारा ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी परेशानी जिनका सामना तुम्हें करना पड़ेगा इस कार्यवाही के बाद। मैम जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ, और जो गलती मैंने की है उसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। I know, यहां से जो मैं लेसन सीख के जा रहा हूँ उसे मैं ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा और अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूँगा। I'm so sorry सर, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सर। रोहन अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे मत मांगो, इन सबसे मांगो, इनसे मांगो जिनकी बहन की शादी नहीं हो पाती तुम्हारी वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दो, I'm so sorry, आप सबको प्लीज मुझे माफ कर दो आप सब। हेलो
हमारे क्या हुआ बदनाम, सब ठीक है ना? मैडम सर, वो बुआ का फोन था, वो बोले उनको पैसे मिल गए, अब गुड्डे की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे हम। और मैडम सर, आपको बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद दिया उन्होंने। मैडम सर क्या मार्केट में एक नया ऑनलाइन स्कैम है। क्या? हाँ, क्या ना, एक मोबाइल ऐप आया है जिसको आप डाउनलोड करते हो, उसके बाद जितनी बार सांस लोगे वो 10 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। क्या है? सांस पे? डोंट वरी, मैं इसे इस ऐप को हैक करके इसे मार्केट से आउट कर दूंगा। मैं हूं ना, सो डोंट वरी। देर आए दुरुस्त आए बड़े भैया। बड़े भैया आई बेटा आपका। मैडम सर, आपने और आपकी टीम ने अपने बदनाम के लिए जो किया है उसके लिए तो बनता है। देख रही है मैडम सर, क्या बोलता बुत बनाया है किसी ने। ये मोम का है लेकिन ऐसे लग रहा है एकदम जिंदा है, हमारे बिल्ले की तरह। किसी राजा का है ये, और इसका जो आर्टिस्ट है उसका नाम है चमेली बड़बेलो। नहीं करिश्मा सिंह, आर्टिस्ट का नाम है कैमिली बोरबेलो, और ये जिस राजा का स्टैचू है वो एक बहुत फेमस राजा है जिसका नाम है चंद्र केतु। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, हमारा वहाँ जाना जरूरी है क्या, मतलब इस कार्यक्रम में? करिश्मा सिंह, जरूरी है। देखिए, ये स्टैचू जो है हमारी गवर्नमेंट को एज अ गिफ्ट मिला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद म्यूजियम जाने वाला है, तो अरे चीते, इसकी मैया की सासु। चीते, ओ कुम करूं। तुम? उठो। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब, हाँ? सो रहे हो? मैम, पूरा रात चौक पर ड्यूटी करेंगे तो यही हाल बनेगा ना, और क्या बनेगा? ओ चितेश्वर, ये क्या हाल बनाया हुआ है, क्या है ये सब? कहाँ? सब ठीक तो नहीं है। ये सब? क्या है ये सब? हमसे पूछ रहे हो क्या है? ड्यूटी पे हम थे अभी या तुम थे? कौन लाया, कैसे हुआ ये सब? हम लाए हैं ये सब। आप यहाँ फिर से मतलब कैसे, और ये सब क्या है? हम बताते हैं, सुनिए कहाँ है ये सब। समझ गए आपकी बात को, लेकिन फ्रिज का दरवाजा टूटा है तो आप यहाँ सारा सामान काहे ले आइए? जहाँ से आपने फ्रिज लिया वहाँ लेके जाइए ना, हमारे थाने में काहे लाइए? आप जो कह रही है ना, बिल्कुल वैसा ही किए थे। हम लेकर गए थे ये फ्रिज को कंपनी वालों के पास, लेकिन कंपनी वाले जो हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो कंपनी वाले कहते हैं कि ये फ्रिज तो हमारा है ही नहीं, इस पर तो किसी और कंपनी का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अरे ये फ्रिज तो छोड़िए मैडम, ये देखिए, ये जो है ना इसका जोड़ीदार वो सोफा, उसका तो कुछ अलग ही कहानी है। जब मूवर्स एंड पैकर्स वाले हमारा सामान डिलीवर करके गए तो देखा तो कुर्सी तो टूटी हुई है। सच कहते हैं मैडम, हमको तो 100% डाउट है कि ये हम है ना पैकर्स एंड मूवर्स वाले ने हमारा सामान बदल दिया है। का मतलब बदल गया है? कौन बदलेगा आपके सामान को, क्या बात कर रही हैं आप? बदलते हैं मैडम, बदलते हैं। हम है ना कंपनी वालों ने हमारा पुराने घर से नए घर में सामान शिफ्ट करते वक्त सारा का सारा सामान बदल दिया है। और पब्लिक का भारी डिमांड पे। अबे इंट्रोडक्शन छोड़ और दीदी को संभाल ना मुने। मतलब दीदी को संभालिए ना। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अरे पल्लवी जी, यहाँ क्या कर रही है आप, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? हम तो आपको नहीं ढूंढ रहे थे। और किसी ने बताया कि आप यहाँ पर आई हुई है तो हम यहाँ आ गए। क्या बात है, आप यहाँ क्या कर रही है? हम यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए हैं, अपना जो सामान का अदला बदली हुआ है ना उसके बारे में। अरे तो हम एक मिनट। हाँ, अरे तो हमारा थाना है ना, यहाँ काहे रिपोर्ट लिखाने आई हो तुम? और हम संभालते हैं आपका सारा मामला। ये आपका थाना पे हमको भरोसा नहीं है, हम रिपोर्ट तो इसी थाने में लिखवाएंगे बस। एक्सक्यूज, ये लाइन फिर से एक बार। काहे? अच्छी लग रही है पल्लवी जी, काहे दुश्मनों के सामने हमारा नाक काट रही हैं आप? हमारे थाने में आइए, रिपोर्ट लिखवाइए, हम करते हैं सारा छानबीन, हम संभाल लेंगे। का खाप छानबीन करेंगे? हाँ
अरे चाय तो ठीक से छान नहीं सकते और चावल में से कंकर भी ठीक से बिन नहीं सकते और ये छान बिन करेंगे बताइए। हाँ दीदी आओ झाड़ू पोछा भी। ए चेपू अब हो गया ना छान बिन का तालमेल। हाँ बेटा करेंगे करेंगे सारा छान बीन करेंगे हम प्रॉमिस करते हैं आपको आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमरा स्वागत चलिए यहाँ से चलिए। हाँ चलिए आप चलिए पहले चलिए चलिए चला। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। बहुत अच्छा हुआ मैडम सर बला टली, नहीं तो हमको लगा था पता नहीं कौन सा नया मुसीबत आ गया अब हमारे थाने की जान को। बहुत अच्छा हुआ कि बुलबुल जी जो है वो ले गए इनको। नहीं नहीं ऑनेस्टली हमें नहीं लगता कि इस मामले को इतना भी लाइटली लेना चाहिए। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो। पता तो करें कि माजरा क्या है। हो सकता है ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा हो सकता है। क्या आपकी छठी इंद्र कभी गलत संकेत नहीं देती है? लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इतना लोड काहे ले रहे हैं। थाना क्षेत्र उनका, बीवी उनकी, सामान उनका। बुलबुल जी चाहते हैं कि वो अपने थाना में ये केस सॉल्व करे तो उनको करने दीजिए ना। हम बेगानी शादी में दीवाने काहे बन रहे हैं। करिश्मा सिंह जब जंगल में आग लगती है तो धीरे धीरे पूरा जंगल उसकी लपेट में आ जाता है। ठीक है ये बुलबुल पांडे के एरिया में हो रहा है लेकिन ये हमारे एरिया में भी तो हो सकता है और क्राइम क्राइम है और हम पुलिस वाले पता तो लगाना पड़ेगा। जी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।